इन्हें देखिए, ये शैतान, ये घूमते ही रहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेरेस आइलैंड में। मैं आपका अपना दोस्त अमित एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों बहुत दिन से वीडियो नहीं बने हैं, इसलिए आज मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी वीडियो बनाता हूँ अपने गार्डन की तो मैं खुद सामने नहीं आता, पर आज इतने दिन बाद मैं खुद सामने आया हूँ। तो दोस्तों थोड़ी खुशी है कि कंटिन्यू बारिश हो रही थी जिससे कि पौधों में एक नई जान पड़ गई। तो आज मैं अपने गार्डन का कुछ ओवरव्यू आपको दिखा देता हूँ कि आप पीछे देख रहे होंगे, ये देखिए बहुत अच्छे हो गए हैं पौधे। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ये मेरा फोटो सेशन वॉल है जहाँ हम कभी कभी फोटो शूट कराते हैं। इधर मेरे कुछ पौधे इधर लगे हैं, कुछ इधर लगे हैं, कुछ ये सब्जियों के पौधे नीचे मैंने लगाए थे जो गिलहरियों ने ख़राब कर दिए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जिस कारण से मैं वीडियो बना रहा था, मैं वीडियो दिखाता हूँ आपको। दोस्तों आज का ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, ये मैंने अपने गार्डन का ओवरव्यू तो दिखाया ही है, साथ में आज मैं आपको अपने कुछ पौधों की जानकारी दूंगा जो कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर था तो मैं उन्हें छोड़ गया था बारिश से पहले। उनकी थोड़ा उनमें खाद वगैरह मिलाकर चला गया था, पर अब वो बहुत अच्छे हो गए हैं तो मैं उन्हें दिखाऊंगा। बाकी मैं आपसे पहले मैं आपको ये पौधे दिखा देता हूँ कि कितने ग्रीन हो गए हैं। ये इस महीने में दो बार बारिश हो गई है दोस्तों, सितंबर में भी हुई थी 23 तारीख के आसपास और अब फिर से हुई है अक्टूबर में, अभी कंटिन्यू बारिश चल रही है। फूल इतने अच्छे हो गए, मैं जाने से पहले इन पौधों में खाद मिला करके और NPK वगैरह मिला करके गया था, पोटेशियम भी मिलाया था मैंने थोड़ा सा, बहुत ही आधा आधा चम्मच मात्रा में सब पौधों में मैं डाल के गया। तो सारे पौधे इतने अच्छे से खिल गए हैं। बाकी जो पौधे के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है दोस्तों मेरे बैंगन के पौधे। जब मैं गया था दोस्तों तो बैंगन के पौधे बिल्कुल पत्ते एकदम हट गए थे और अब देखिए दोस्तों कितने अच्छे पूरा पौधे घने हो गए हैं, बैंगन लग गए हैं पूरे पर। बारिश के कारण कुछ बैंगन ख़राब भी हुए हैं, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये पौधे इतने अच्छे हो गए दोस्तों, जाने से पहले मैं 23 तारीख को गया था तो सारे बैंगन के पौधे बिल्कुल सूख चुके थे, पत्ते बिल्कुल हट चुके थे, आधे सूख गए थे, आधे ये मेरे मुर्गे जो हैं इन्होंने पत्तियाँ खा ली थी। पर दोस्तों जाने से पहले मैं इनके अंदर कुछ थोड़ा पोटेशियम और मैं NPK और नीम खली मिला करके तीनों को मिक्स करके सारे गमलों में मैं एक एक चम्मच डाल के गया था और फिर तुरंत बारिश चालू हो गई। तो बारिश कंटिन्यू बारिश हुई 4-5 दिन, फिर बीच में 8-10 दिन का गैप रहा, फिर बारिश हुई। तो दोस्तों उसके कारण फिर से बैंगन आ गए, फिर से कंटिन्यू पर फ्लावरिंग हुई, फिर से बैंगन आ गए। पर ज़्यादा बारिश के कारण कुछ बैंगन मेरे इतने छोटे छोटे जो बैंगन हैं वो कुछ ख़राब भी हुए हैं, पर डोंट वरी 10% ही बैंगन ख़राब हुए, बाकी 90% बहुत ही हेल्दी मेरे बैंगन आए हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि बैंगन अगर आप लगा रहे हैं तो ये सोच करके कभी ना उखाड़िए कि बैंगन ख़राब हो गए हैं या पौधे सूख गए तो हम इन्हें उखाड़ दें। दोस्तों एक बार बैंगन आप आ गए हैं तो दोबारा उनकी कटिंग कर दीजिए, दोबारा से उन पर बैंगन आ जाएंगे। बैंगन के पौधे का यही फ़ायदा होता है दोस्तों। कुछ पौधे हैं, ये बैंगन है, कुछ मैं इन्हें निकाल देता हूँ। ये देखिए ख़राब हो गए हैं, ये थोड़ा पानी ज़्यादा लगा और कुछ कीड़ा। अब मैं आ गया हूँ तो मैं दोबारा से इनके ऊपर एक बार नीम का स्प्रे करूँगा, नीम ऑयल, और मैं इसमें डिटर्जेंट मिला करके या हैंड वॉश मिला करके मैं स्प्रे करूँगा तो बाकी दोबारा से सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये जितने भी मेरे बैंगन के पौधे हैं ये मैंने पिछले साल के ही जो बैंगन के पौधे थे उसी का बैंगन बचा करके एक मैंने बीज लगाए थे और वो हो गए। तो दोस्तों ये मैं इस दिखाने का ये मेरा रीज़न था बैंगन के पौधे की, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो हैं, आप इन्हें आसानी से, ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें छोटे गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं। बाकी वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।